जगदलपुर में धान खरीदी में गंभीर अनियमितता व कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान सम्मिलित हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को झूठी सरकार करार दिया और अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय बंद करने को कहा। धरना प्रदर्शन स्थल पर भाजपा कार्यकर्ता बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि में सवार होकर पहुंचे। धरना कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि कांग्रेस की झूठी सरकार अब प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय करने पर आमादा है। वादा निभाना तो एक तरफ, सरकार किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है, बारदाना तक किसानों को स्वयं खरीदना पड़ रहा है। अन्नदाता किसानों के साथ भाजपा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि किसानों के हक को छीनने वाली कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने का समय आ गया है। हमारे किसान हताश परेशान हैं। किसान भाई आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर विवश हो रहे हैं। पूर्व विधायक संतोष बापना ने कहा कि किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। पहले 1 नवंबर से धान खरीदी आरंभ होती थी, भाजपा शासन में कभी भी छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता था। 36 वादा किए थे, 36 छत्तीसगढ़ में 36 वादा, और 36 वादा में एक वादा पूरा नहीं किया है। कोई भी एक वादा आप बता दो जो इस सरकार ने 2 साल के अपने कार्यकाल में पूरा किया हो। जितने झूठ बोलने का काम है, ये झूठे सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, ये हाथ छाप की सरकार कर रही है। किसानों को देखने से समझ में आ रहा था, किसान लगातार यह शिकायत कर रहे थे कि भैया हमको टोकन नहीं मिल रहा है, गिरदावरी के नाम से हमारे रकबे कम कर दिए गए हैं, पैसा तो हमारा पता ही नहीं है, बारदाने जो है वो मिलर के यहाँ से लाए हैं, इन बारदानों के में हमको भर के धान दो, ये बोलते हैं। और आप अपना स्वयं का बारदाना लेके आइए, उस बारदाने का 15 रुपए काट रहे हैं, जो किसान जो है 40 से 50 रुपए 60 रुपए में बारदाना लेके आ रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।